हाय, मैं हूं जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। बहुत बहुत स्वागत। 14वां साल मनाने जा रहा है भोजपुरी अवार्ड, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी, अंदर जाने के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा हमारे विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने ये शुरुआत किया था। भोजपुरी में अवार्ड नहीं होते थे, फिल्में बनती थी पर अवार्ड मिलता नहीं था। विनोद गुप्ता जी ने 2005 में इसकी शुरुआत किया और तब से ये चलता आ रहा है, और ये 2019 में 14वां साल है। तो इतने लंबे सफ़र के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूँ विनोद गुप्ता जी को, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, कि एक जो शुरुआत हुई थी उसको आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दे के यहाँ तक पहुँचाया है। जहाँ तक अंदर जाने की बात है तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि हर साल कुछ फिल्में ऐसी मुझे मिल ही जाती है जिसमें मुझे बहुत कुछ करने को मिलता है। तो इस साल भी जो मेरी फिल्में आई, बॉर्डर आई, निरोगा हिंदुस्तानी 3 आई, तो ऐसी कई फिल्में आई जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि इन फिल्मों को कुछ न कुछ अवार्ड तो मिलेगा ही। अमरपाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए और 14वां साल मना रहा है ये इंडस्ट्री अवार्ड को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मैं हर बार यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से आ रही हूँ इस अवार्ड शो में और 5वां साल मेरी कोई ना कोई फिल्म यहाँ पर, इनफैक्ट हर अवार्ड शो में नॉमिनेटेड रही है। तो मैं अपने नॉमिनेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड शो। दिनेश जी, कितने बड़े प्राउड की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी हाल ही में सिंगापुर में हुआ, वहाँ पे भी जी ओपनिंग मिली। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सच में ऐसे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो लोग निस्वार्थ भाव से हमारे भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया में हर जगह उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जहां भी भोजपुरी भाषी हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है पर हमारे चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को लकी मानते हैं। जी, एक्चुअली हम लोग सच्ची में बहुत भाग्यशाली हैं। हम जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, जिस भी कोने में हम गए हैं कभी भी, हमें हमेशा भोजपुरी भाषी लोग मिले हैं। उन्होंने बहुत प्यार से वेलकम किया है हमको, तो बहुत अच्छा लगता है। हर बार लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ये देखने को मिलता है, और प्लस अपने आप में एक एक्साइटमेंट होती है अवार्ड्स की, क्योंकि आपने साल भर जो काम किया है उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला होता है। तो वो एक्साइटमेंट हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट अवार्ड के लिए। तो मेरा भी एक्साइटमेंट लेवल फिलहाल बहुत ज़्यादा है, और आप लोग अभी जब छोड़ेंगे तो सीधा अंदर भागूंगी मैं। सबके परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, मैं देखना चाह रही हूँ। दिनेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिनेश जी को ही मिलने वाला है अवार्ड। मुझे लगता है कि जिस तरह की फिल्में मैं करता हूँ, मुझे भी बड़ी उम्मीद होती है। मैं जिन फिल्मों के लिए नॉमिनेटेड, चाहे सिंगापुर में था, चाहे यहाँ हूँ या किसी अवार्ड में होता हूँ, मुझे पता होता है कि वो फिल्म मैंने कितनी मेहनत से किया है। तो यहाँ भी मैं बॉर्डर के लिए और एक फिल्म निरोगा हिंदुस्तानी 3 के लिए नॉमिनेटेड हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों फिल्म में से किसी न किसी फिल्म को पक्का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में इस साल की ऐसी फिल्में थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी भोजपुरी भाषी हैं वहाँ तक डंका बजाया और सबके दिलों पर राज किया। आज जब मैं देखता हूँ कि कोई फिल्म हम जब करते हैं और पूरी दुनिया में उसको 10 करोड़ 15 करोड़ लोग देखते हैं, और उनके जब कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, तो दिल ऐसे ही गदगद हो जाता है। असली इनाम और अवार्ड तो वहीं मिल जाता है जब ऑडियंस दे देती है। अब फिर एक इंडस्ट्री के द्वारा जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो भी बहुत मतलब खुशी दिलाता है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं बहुत भाग्यशाली होऊंगा। आप गेस करेंगे अपना मतलब कि किसको अवार्ड मिलने जा रहा है, बॉर्डर को मिलने जा रहा है या निरोगा हिंदुस्तानी 3 को मिलने जा रहा है? एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि ये बताइए कि आपका बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा बेटा अच्छा है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। दोनों मेरी ही फिल्में हैं और दोनों बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स की फिल्में हैं, और दोनों में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है।
सो आई एम श्योर जिसको भी मिलेगा मैं बहुत खुश होंगी, दोनों फिल्मों को मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश होंगी। आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छी डिजर्विंग फिल्म का अवार्ड मिले। कुछ पाइपलाइन में जो फिल्में हैं जी, आने वाली जो फिल्में हैं उसमें मुकद्दर का सिकंदर है, उसके बाद एक फिल्म और बन के तैयार है हम लोगों की, ठीक है, और एक और फिल्म है जिसकी अभी हम लोगों ने शूटिंग कंप्लीट किया, निरहुआ द लीडर। उसके बाद अभी एक लंदन में हम लोगों ने अभी शूटिंग कंप्लीट की है, दुल्हा हिंदुस्तानी। तो ये फिल्में जो है वो बन के तैयार है। रोमियो राजा भी बन के तैयार है, उसके मुझे लगता है एक आध गाना ही बचा है, अभी हो जाएगा। तो ये सारी फिल्में हैं जो बन के तैयार है आने के लिए। अमरवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, 50 से ज़्यादा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप लोगों की जोड़ी 50 से ज़्यादा फिल्में? नहीं नहीं, 25 ही की है, पर भगवान करे ऐसा भी हो। पर अभी 5 साल ही हुए, 25 बहुत है। हाँ, 5 साल में 25 बहुत है। तो आई एम जस्ट, मैं हमेशा, हमने कितनी भी फिल्में साथ में की हो, हम लोग हमेशा अलग अलग स्क्रिप्ट पर काम करते हैं और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई स्टोरीज पर काम करते रहते हैं। तो आगे भी जो फिल्में लाइंड अप है वो बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म है। एजुकेशन माफिया के ऊपर एक फिल्म है, एक कॉमन लड़का जो किसी अपने समाज के कुछ तत्वों से परेशान होकर जैसे आगे बढ़ता है, उसकी कहानी है निरहुआ द लीडर। सो बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर्स की फिल्में हम करते हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ देम। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, न्यू ईयर के लिए विश करिए अपने व्यूअर्स। जी जी, आप प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।